वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। इफ सर्किल्स आर ड्रावन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डायमीटर्स। एक ट्राइंगल बनाना है आपको। ये ट्राइंगल आपने बना दिया, इसकी जो दो साइड है, ओके, ये दोनों साइड जो है, मान लीजिए ट्राइंगल हमने ABCD बनाया, ए बी और सी बनाया, ये डायमीटर है दो सर्कल के, यानी इसके एक सर्कल खींचेगा और यूं एक आप सर्कल खींच, एक सर्कल ये बन गया, दूसरा सर्कल इसके ऊपर बनेगा जो इसका डायमीटर ये होगा, यानी यूं लगाइए और यूं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये जो है एक ट्राइंगल के ऊपर। अब आपको प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दी सर्किल लाई ऑन दी थर्ड साइड। ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ये दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन कहाँ है, यहां पर ये सर्किल और ये सर्किल दोनों मिलते हैं और ये थर्ड लाइन के ऊपर है कि नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। ये सेक्शन जो इंटरसेक्शन है ये थर्ड लाइन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमें एक पता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो डायमीटर है इस सर्कल को दो भागों में बांटता है, तो ये जो है एक सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल में हमारे जो एंगल्स बने ये हमने डी कर दिया, ठीक है। इस सेमी सर्कल में ये जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, तो ए डी सी, ये जो ट्राइंगल है ए डी सी, यानी इसका जो ये और ये जो सर्किल है इसका कोण, देखो इसको एक लाइन खींच देते हम सीधा, यहाँ ये जो कोण है सीधा लाइन खींच दिया हमने इसके बीच, और ये वाला कोण है ये बराबर है, यानी कि कोण जो है आपका ए डी बी, ए डी बी, ये कोण ये सीधी लाइन खींच दी हमने, परपेंडिकुलर खींच दिया इसके, तो ये कोण बराबर हो गया। और इसके बराबर कौन सा है, ए डी सी, कोण ए डी सी, ये दोनों बराबर है। तो कितने कितने के होंगे, दोनों बराबर होंगे अगर आपने सीधा लाइन खींच दिया, ये मान इस लाइन को सीधा मान लिया हमने, सीधा मान करके डायरेक्ट लाइन को परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये कितने के होंगे, दोनों मिला के दोनों जो है कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मिला के नहीं, बोथ आर 90 डिग्रीज, ए डी बी ए डी सी आर 90 डिग्रीज। तो ए डी बी प्लस ए डी सी, इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है, कौन ए डी बी प्लस कौन ए डी सी कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का कौन कब बनता है, जब कोई लाइन स्ट्रेट होती है, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री के दो कौन बनेंगे, तो स्ट्रेट लाइन पे ही बनेंगे, तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट, तो हम कहेंगे कि दी सर्किल लाई ऑन दी थर्ड साइड, इसका मतलब ये सर्किल जो है ये थर्ड साइड जो है बी सी, इसके ऊपर, ये आपका प्रूफ हो गया कि ये जो सर्किल है ये दोनों सर्किल थर्ड लाइन जो है ट्राइंगल की, ए बी सी ट्राइंगल है, इसकी जो थर्ड लाइन है ए बी, तो ये है इसी ए बी सी, ये है तो बी सी के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों सर्किल स्थित है। सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। इन जो सर्किल है इसका प्रतिच्छेद बिंदु है इस तीसरी बिंदु के ऊपर स्थित है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।